सब्सक्राइब कीजिए खेतीगाड़ी चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, खेतीगाड़ी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हो, हाल ही में 2019-20 का बजट पेश किया गया है और आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस बजट में हमारे किसान भाइयों के लिए क्या नए प्रावधान हैं, कौन सी नई योजनाएं बनाई गई हैं जिससे आप अपनी खेती को सरकार की मदद से और भी बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपके लिए है कुछ खास। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि 2019 के बजट में किन बातों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो इस बार सरकार ने 10 मुख्य सेक्टर्स को फोकस किया है जिनमें शामिल है सामाजिक और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो तृतीय व्यवसाय यानी IT सेक्टर्स को बढ़ावा देगा। आगे है डिजिटल इंडिया। आज हम आपसे इस डिजिटल माध्यम से बात कर रहे हैं। आप हमारे खेतीगाड़ी प्लेटफॉर्म से ट्रैक्टर और औजार ऑनलाइन खरीदी कर रहे हैं, अरे यही तो है डिजिटल इंडिया। बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए भी सरकार ने इस वर्ष कदम उठाए हैं। हमारे भारत देश के आर्थिक वृद्धि के लिए ब्लू इकोनॉमी, पूरी भारत की जनसंख्या के लिए लगने वाले प्राथमिक ज़रूरतें जैसे कि अनाज की मांग भारत खुद ही पूरा करने पर जोर दे रहा है। इसी के साथ अंतरिक्ष प्रोग्राम, पानी का प्रबंध जैसे अत्यावश्यक कार्यक्रमों को पहले स्थान पर रखा गया है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमारे देश में कुल कितने पैसे जमा हुए और हमने वो निधि किन किन योजनाओं पर खर्च किया है। तो हमें सबसे ज़्यादा धनराशि प्राप्त हुई है कॉरपोरेशन टैक्स से और सबसे ज़्यादा धनराशि खर्च हुई है राज्यों के कर और शुल्क के भुगतान पर। और सब्सिडी की बात करें तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी मिली है अन्न तथा खाद्य विभाग को। और कृषि क्षेत्र की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार प्राथमिक कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। अब मैं थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब उदाहरण के तौर पर हम ब्रेड को लेते हैं तो ब्रेड बनाने के लिए लगते हैं गेहूँ, और गेहूँ से ब्रेड बनाने तक के पूरे प्रक्रिया में जो खर्च होगा वो आएगा GVA में, यानी साल दर साल प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी हुई है। लेकिन इससे हमारे अन्नदाता किसान भाइयों का कुछ भी मुनाफा नहीं होगा। जब किसान भाइयों को उनके गेहूं के लिए ज़्यादा दाम मिलेंगे तभी किसान भाइयों का भला होगा। धान उत्पादकता की बात करें तो 2018-19 में 283 मिलियन टन के धान का उत्पादन हुआ है, जो बहुत ही खुशी की बात है। तो चलिए किसान भाइयों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कृषि योजनाओं की जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आगे हम स्क्रीन पर दिए गए सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए हर योजना के बारे में जानने के लिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलो बात करते हैं पहली योजना, जो है ग्रामीण उद्योग उद्योजकता को बढ़ावा देने वाली योजना। इस साल 80 रोजगार बढ़ाने वाले और 20 तंत्र ज्ञान पर आधारित उद्योजकों को भारत सरकार व्यापार बढ़ाने के लिए मदद करेगी। इसी के साथ 75,000 ऐसे उद्योजक जो कृषि और संबंधित क्षेत्र में व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए भी सरकार मदद करने वाली है। इसी के साथ डेयरी क्षेत्र में नवीनतम तकनीक लाने के लिए पशुओं के खाद और उत्पादन कंपनियां दूध की प्रक्रिया, वितरण और बाजार भाव के लिए नई रणनीति बनाएगा। इसी के साथ 10,000 नए FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी सरकार बनाएगी। क्या आपको पता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? अगर नहीं पता तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम उसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। इसी के साथ ही सरकार की तरफ से नया लॉन्च हुआ इनाम पोर्टल से भी किसान भाइयों को मदद मिलेगी। और इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो था, जीरो बजट फार्मिंग को बढ़ावा देना। जीरो बजट फार्मिंग क्या है, हम इसे कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, इसे कैसे हमारे खेती में कर सकते हैं, ये आप अगर जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उस पर पूरी वीडियो की श्रृंखला बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, जिसे 2019-20 के बजट में 14,000 करोड़ मुहैया कराए गए थे, जब 2018-19 में उसके लिए 12,975 करोड़ दिए गए थे। इस योजना के तहत बीमित किसान यदि प्राकृतिक आपदा के कारण बोनी नहीं कर पाता या फिर
ओला, जल भराव और लैंडस्लाइड जैसी आपदाओं के साथ ही पोस्ट हार्वेस्ट में होने वाले नुकसान पर पूरी रकम बीमित किसान को मुहैया कराई जाएगी। भारत में छोटे किसान आमतौर पर खेती के लिए बैंकों से कर्ज लेते हैं और अगर कोई आपदा आती है तो किसान उस ऋण का भुगतान नहीं कर पाते और यही बात किसानों को आत्महत्या करने को प्रवृत्त करती है। इसलिए सरकार ने 18,000 करोड़ की राशि इस योजना के लिए दी हुई है। इस योजना के तहत हर किसान को 3 लाख तक का ऋण 1 साल के लिए 7% ब्याज दर से मिलेगा और अगर आप इस ऋण को 1 साल के अंदर फिर से बैंकों में जमा करवाते हो तो आपको 3% की कटौती इस ब्याज दर में होगी और आप 3 लाख तक का ऋण मात्र 4% के ब्याज दर पर पा सकते हो। और हाँ, आपको बता दें कि इस योजना के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। इसी के साथ पोस्ट हार्वेस्ट यानी फसल की कटाई होने के बाद नैसर्गिक आपत्ति आती है तो आपको उससे बाहर निकलने के लिए 9% ब्याज दर से ऋण मिलेगा जो नाबार्ड और RBI की सहायता से प्राप्त होगा। इस पर भी आपको 2% तक का ब्याज दर कम होगा अगर आप 1 साल की कालावधि में ऋण की वापसी करते हो। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। भविष्य में पानी की कमी को देखते हुए बहुत जरूरी है कि आप अभी से पानी बचाने के तकनीकों का प्रयोग करें जिससे हमारी फसल भी अच्छी हो और पानी की भी बचत हो। और आपको बता दे कि मीठा पानी सबसे ज्यादा कृषि के लिए उपयोग में आता है, इसलिए भारत सरकार ने इस योजना को हर राज्य और हर केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया है। ये योजना 50,000 करोड़ की लागत के साथ 2015-16 से ही शुरू हुई है और इस साल इसे अतिरिक्त 3,500 करोड़ की फंडिंग मिली है। इस योजना में 75% राशि केंद्र सरकार और 25% राशि राज्य सरकार देगा। पूर्वीय राज्यों के लिए अलग प्रावधान है, इसमें केंद्र सरकार 90% की राशि देगी और पूर्वीय राज्य 10% राशि देंगे। इस योजना के तहत स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए 50% और ड्रिप सिंचाई के लिए 50-80% सब्सिडी का प्रावधान है और अगर आप सार्वजनिक तालाब बनाते हो तो 25% की सब्सिडी आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं सरकार का सबसे बड़ा कदम हरित क्रांति, जो बहुत ही लाभदायक साबित हुआ है, जिसके परिणाम आप सब लोग देख ही रहे हो। इसके तहत और भी योजनाएं चल रही है जिनकी हम अभी बात करने वाले हैं। पहली योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसके लिए 3,745 करोड़ की राशि दी हुई है। इस योजना में कृषि क्षेत्र का विकास, किसान की आय दोगुना करने के लिए व्यवस्था, अन्न सुरक्षा के लिए नई तकनीकें, तेल बीजों का उत्पादन बढ़ाना, कृषि क्षेत्र का विस्तार जैसी योजनाएं शामिल है। दूसरी योजना है राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना। ये योजना है जो 2000 करोड़ की लागत के साथ आई है। इस योजना के तहत धान, गेहूं, दालों तथा अनाज का उत्पादन बढ़ाना, व्यावसायिक फसलें जैसे गन्ना, बीट, फूलों जैसी खेती से भारत देश को आत्मनिर्भर बनाना और इस साल से इसमें तेल बीज भी शामिल होंगे। तीसरी योजना है जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना, जो आज खेती की सबसे बड़ी जरूरत है क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर यानी केमिकल खादों का उपयोग करने से हमारे खेत की मिट्टी की जो उपज की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस योजना का उद्देश्य यही है कि किसान का उत्पादन बढ़ाना, जैविक खाद जैसे कंपोस्ट फर्टिलाइजर का प्रयोग करना और उससे मिट्टी की क्षमता को बढ़ाना, अल्टरनेटिव इनपुट्स यानी केमिकल फर्टिलाइजर छोड़ के हम जैविक खाद को किन किन क्षेत्रों से लेकर उसका उपयोग हम मिट्टी में कर सकते हैं। खेती में मिट्टी के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने और एक स्कीम बनाई है जिसका नाम है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी। इस योजना का उद्देश्य यह है कि फसल अनुरूप मृदा का स्वास्थ्य प्रबंधन करना, अवशेष प्रबंधन, माइक्रो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के साथ मृदा उर्वरता मानचित्र बनाना, भूमि के प्रकार के आधार पर उपयुक्त भूमि उपयोग, नई मृदा परीक्षण और उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना करना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का प्रावधान जो किसानों को मृदा पोषण पर मदद करेगा। अगली योजना है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जिसके लिए पूरे 2,221 करोड़ रुपए की लागत दी हुई है और इसका उद्देश्य है नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन और किसानों के कौशल्य को बढ़ावा देना, फसल उत्पादन को कम नुकसान, फसल उत्पादन के बाद कम नुकसान
और किसानों के उत्पाद की बेहतर कीमत। बागवानी में नई तकनीकें लाने के लिए बोर्ड्स की स्थापना भी की हुई है। कोल्ड स्टोरेज के निर्माण, विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए पूंजी मुहैया करवाना। अगली योजना है राष्ट्रीय बांबू मिशन। इस स्कीम का उद्देश्य यह है कि बांबू क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना, पैदावार बढ़ाने के लिए बेहतर किस्मों के साथ उपज बढ़ाना, बांबू और बांबू हस्तशिल्पों को बढ़ावा देना, कुशल और अकुशल व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना। तो किसान भाइयों, ये थी सरकार की तरफ से इस साल के बजट में पेश की गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, जिसका लाभ आप आसानी से उठा सकते हो। और आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताना किस योजना के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हो। हम उस पर पूरा वीडियो जरूर बनाएंगे, ताकि आपको उस योजना के लिए आप पात्र हो या नहीं, उस योजना के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये सभी चीज़ों की जानकारी हम उस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे खेती गाड़ी चैनल को, ताकि खेती से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।